गुड इवनिंग गाइस, आज आपकी लॉकडाउन फूड स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें अब सोचने वाली बात यह है कि अब की ये माजरा बहुत ही लंबा चलने वाला है, बहुत ही लंबा चलेगा। इसका मतलब है कि ऑनलाइन के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सब का कहना है कि ये रन करेगी, ठीक है, मतलब कि 2 इयर्स तक पॉसिबिलिटी है भाई। मतलब कि आप जानते हो कि वायरस जो है, मैंने अपने बच्चों को अपने एलएन बायोलॉजी क्लासेस की एक ग्रुप है मेरी क्लास का, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने बात करा कि सर ये तो लंबा चौड़ा जा रहा है। तो मैंने कहा कि भैया आप जानते कि इसको वायरस की कंडीशन में बात करते तो वायरस इज़ अ कनेक्टेड लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो माजरा तो पहले से ही क्लियर था, लेकिन बहुत सारा जो है ऐसा चीज़ें हैं जो 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 इग्नोर करते हुए लोग चलते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट सब ऐसे बात करते रहते हैं कि हाँ ये हो गया, और इतनी सोशल मीडिया पे इतनी अफवाहें चलते रहती है कि मैंने ये इजाद कर दिया, मैंने ये खोज दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने अब इसका COVID-19 का मेडिसिन खोज लिया। एक से एक अफवाहें चलते रहते हैं, ये खोज दो, मतलब सब अफवाहें। आप सोच सकते हो कि एक छोटी सी, मैं छोटा सा बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि सिंपल सा लॉजिक है भैया कि जब एड्स जो है, मतलब कि जब HIV आई, आज 30-35 साल हो गया भैया, ठीक है ना, तो कंडीशन क्या है कि इतने समय से इसकी जो है वैक्सीन नहीं बनी भाई। आप सोच रहे हो कि मतलब कि ये मजाक वाली बातें नहीं है, तो भी वायरल है, ठीक है ना, और उसकी भी वायरस के कैटेगरी है कि वो म्यूटेटेड वायरस है, अपनी मार्फोलॉजी को चेंज करते रहता है। तो भैया लॉक एंड की आप ऐसे जो आप पढ़ते हो कि भाई जो जैसा लॉक है उस लॉक के लिए पार्टिकुलर की जो होती है तब जाकर के अपनी लॉक खुलती है। तो भैया यदि लॉक का जो है, की का जो है, जो ये की इन करते हैं जिसमें उसका शेप यदि चेंज होते जाए, तो आपका एक 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 की है आपके पास, क्या ये काम करने वाला है, क्या ये काम करेगा कभी, क्या ये लॉक खुलने वाली है, नहीं खुलेगी, ऑब्वियस ही बात है। तो क्या करती है कि अपना मॉर्फोलॉजी को सेल के इंटर, जैसे ही हमने कहा कि कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, तो भैया जब जब ये नॉन लिविंग थिंग पे होता है तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, और लिविंग थिंग पे होता है तो लिविंग की तरह एक्ट करता है। जब आपके सेल में इंटर करती है ये वायरस, तो आपके सेल की मशीनरी, मतलब कि उसके एंजाइमेटिक सिस्टम, उसके मेटाबॉलिक को हैक कर लेती है। अब सेल जो है, सेल अपने हिसाब से नहीं, वायरस उस सेल को कैरी करती है कि भैया हम तुम्हारा ऑनर है, हम जैसे बोलेगा वैसे करना है। उसके न्यूक्लियस को ही अपने कब्जा में ले लेता है, उसके मशीनरी सिस्टम को ही अपने कब्जा में ले लिया। तो ओवरऑल आपकी बात क्या होगा कि सिंपल तरीके से आप कह सकते हो कि जो 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 आपका ये मतलब कि अंदर में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो उसको कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस को ही, उसके जेनेटिक मटेरियल को ही, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो एंजाइमेटिक सिस्टम, उसी को हैक कर लिया, अपने बस में कर लिया। अरे सिंपल सा लॉजिक है कि भैया गांधार वाला, ठीक है ना, तो प्लेन उड़ी तो भैया गांधार में नहीं, कहाँ, लाहौर पाकिस्तान में उतारो, कहाँ उतारो पता नहीं। तो यहाँ से हटाने के बाद जो है उसके अंडर में हो गया, पायलट तो है, वो चला रहे हैं, वो जहाँ जहाँ आदेश करेंगे वहाँ जाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको वहाँ वहाँ ही जाना है, मतलब कि वायरस वैसा ही, आपका सेल वैसा ही एक्ट करेगा जैसा वायरस चाहेगा। और वायरस जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग सब्सटेंस पे क्या होगा, नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा, और लिविंग के जैसा लिविंग की तरह एक्ट करेगा। तो सिंपल सा फंडा है कि भैया जब आप नेचर में आ गया है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे, डोर पे, विंडोज़ पे, मोबाइल पे, आपके चेयर पे, आपके कोई भी चीज़ें पे, आपके बुक्स पे, कहीं पे आ गया, तो क्या वो मरने, आग लगा दो, कुछ भी कर दो, मरेगा क्या, मरा हुआ चीज़ कितने बार मरेगा भाई, समझ में आ रहा ना, मतलब ये कितने बार मरेगा। ये माजरा तो शुरू से ही समझ में आ रहा था कि ये लंबा चलने वाला है, ठीक है। जहाँ भी अपने आप सोच सकते हो कि जो 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 मतलब कि एड्स के कंडीशन में बात करते हैं, तो ये इतने लंबे चौड़े टाइम हो गए, अभी तक वैक्सीन नहीं ईजाद हुआ, इसका डिस्कवर्ड हुआ, रिसर्च हुआ, तो आप ये 20 दिन 25 दिन या 2.5 महीना 3 महीने में जो है आप क्या करते हो, इसका वैक्सीन खोज रहे हो। हाँ हुआ है, बट इस पर बहुत सारे काम चल रहे हैं, गोइंग ऑन है, हो जाएगा। जैसे प्लाज्मा डोनेशंस की बात हुई, उसमें एंटीबॉडी है
तो उसके थ्रू इसराइल वाले ने दावा किया कि भैया यहाँ पे मैंने क्या किया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के थ्रू जो है हमने क्या किया, इसको बनाया है। तो बनाया भी है तो उसका डिमांडिंग अलग है, वो पेटेंट करना चाहता है, पेटेंट करेगा तो उसका जो है फी स्ट्रक्चर हाई होगा, जो नॉर्मल इंसान के लिए बियरेबल नहीं, टॉलरेबल नहीं है। तो बहुत सारा पंगा है कि सिंपल लॉजिक है भैया कि आप बिल्कुल स्टेटिक होइए, मतलब कि आप ऑनलाइन से जुड़िए और अपना स्किल डेवलप करिए, जहाँ भी है जैसे भी पढ़ा रहे हैं आप एक चैनल सेलेक्ट करिए, वहाँ पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो ये लंबा माजरा चलने वाली है, ठीक है ना। तो कुछ दिन के बाद आपके ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे यूट्यूब पे आ रहे ये अनाउंसमेंट है। तो भैया करना क्या है कि आपको बिल्कुल पढ़ना है, स्ट्रेटजी एकदम स्ट्रीट फॉरवर्ड रखनी है और एकदम पढ़ते रहना है, खास करके नीट वाले बच्चे कंसर्न हो जाए, एकदम स्टैटिक हो जाए। आपके लिए जो मैंने फंडा बताया है कि क्या क्या करना है, वही चीज़ें करना है आपको, ठीक है ना। वीडियोज़ देखनी है, वीडियोज़ देखने के बाद जो है जो कैप्सूल कोर्स की है, वीडियो देखने के बाद आपको NCERT फिंगर टिप लगाना है और एम्स और नीट दोनों की क्वेश्चन जो 30-30 ईयर का है उसमें से लगाना है, ठीक है ना। आप तो लगा सकते हैं ना भाई, पहले तो 10 साल के बोले थे 10 साल का लगाओ, आप तो पूरा लगाओ, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार मन करता है उतने बार लगाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है। तो बिल्कुल ये घबराने वाली बातें हैं, बट क्या करोगे, अपनी स्थिति भी ऐसी ही है। तो अभी तो माजरा बहुत ही गड़बड़ है, क्या किया जाएगा जब ऐसा सिचुएशन, ऐसा सिनेरियो बन रहा है, ऐसा सीन बन रहा है, तो आप हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेटा बिल्कुल जी जान झोंक दीजिए, जहाँ से मिले अर्जित करिए, एकदम पढ़िए, बिल्कुल टोटली जो है एकदम 100% डिवोटेड हो जाइए। जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते थे वैसे ही आपको यहाँ भी पढ़ना है, बिल्कुल कॉपी किताब कलम सब साथ में, NCERT बुक तो रखनी ही है, कॉपी रखनी ही है और कलम तो साथ में रखना ही है भाई, ठीक है ना। जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाइए, सब माजरा क्लियर हो जाएगा। आप इंग्लिश हिंदी की माजरा मत करिए, जो हिंदी वाले बच्चे हैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल टोटली ट्रांसलेट करता हूँ, टोटली 100% जितने भी टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजिकल उसको तोड़ तोड़ के रखता हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि ये यदि लॉकडाउन आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, यदि 2 साल चला तो आपकी करियर तो गई, तो आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में रहो। हो सकता है कि सरकार अपनी जो है, गवर्नमेंट जो है एक स्ट्रेटजी अपनाए, ऑनलाइन सारे के सारे जो एग्ज़ाम देना स्टार्ट करे, तो मे भी पॉसिबिलिटी है आपको एक जगह पे सुरक्षित रख दिया जाएगा, आप वहाँ पे कम बच्चे में ऐसे कर सकते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, तो ईजिली हो सकता है। बट वही सारा स्ट्रेटजी, वही सारा प्लान आपको मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से चलो 600+ नंबर जो है नीट में आनी है, ठीक है ना। अभी तो 2 चैप्टर 3 चैप्टर अपना 2 चैप्टर निकला, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। बिल्कुल जो है आप लोग लगे रहिए, एकदम बने रहिए, टोटली मैं यही कन्वेंस करने के लिए एक छोटा सा वीडियो आपको डाल रहा हूँ कि बेटा ये लॉकडाउन तो ज़्यादा दिन चलेगा, तो आप बिल्कुल जो है स्टैटिक होइए और पढ़िए, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना है, पढ़ते रहना है और